आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कार आर्ट यूट्यूब चैनल पे। आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इतिहास की एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई है जिसमें मैंने बहुत सारी क्रिएटिविटी अपने आर्ट से रिलेटेड जितनी भी हो सकती थी मैंने उतनी की। मैंने यहाँ पे पांडुलिपि की टाइप की एक पेपर को कलर करके उसको मैंने पांडुलिपि टाइप में कट कर लिया है। और पंख बनाने के लिए मैंने ये टूथपिन और जो वुडन होती है आपको मार्केट में अवेलेबल साइज हो जाएगी, और मैंने पेज कट करके इसे पंख का इसे मैंने आकार दिया है और यहाँ पे साइड साइड से आप कट कर लेंगे। और मैंने जो ग्लिटर कलर्स होते हैं उसका यूज़ किया है, यहाँ पे ग्लिटर कलर्स वाले जो भी ये टेप होते हैं डिज़ाइन टेप उसका मैंने यूज़ किया यहाँ पे। और यहाँ पे ये मोतियों का यूज़ किया मैंने, और एक्रेलिक कलर देख लीजिए वो भर के आते कुछ हट के, और पिंक के ऊपर मैंने ये ब्लैक चार्ट पेपर यूज़ किया है। सो नेक्स्ट पेज पर चलते फिर, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने स्कूल के बारे में बताया यहाँ पर, और फिर अपने टीचर के बारे में यहाँ पर बताया है। मिस राकेश शर्मा इज़ माई हिस्ट्री टीचर, यू कैन सी दैट। और फिर इसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ आकाश कुमार, 12th बी, रोल नंबर 49, रोल नंबर अभी मैम ने बताया नहीं है। सो और फिर ये हिस्ट्री का परियोजना कार्य 2021-22। अब आता है आभार ज्ञापन। आभार ज्ञापन में आप फॉर्मेट देख लेंगे हमारे यहाँ दिया हुआ है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। सो और यहाँ पर आपको साइन चाहिए, इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र ये देखिए फॉर्मेट देख लेंगे आप, इसका भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। सो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट पेज पे। परियोजना का उद्देश्य, उद्देश्य आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दैट्स वेरी मेन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कार्य प्रणाली, इसका फॉर्मेट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, आप देख लेंगे। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना ये होता है कि आप जो भी प्रोजेक्ट फाइल में बता क्या आपने बताया है उसको छोटे रूप में आपने कैसे प्रेजेंट किया, इट मीन्स आपने कितना उसमें प्रोजेक्ट फाइल में डाला है मटेरियल, उसका एक छोटा सा एक सारांश है। सो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है हमारा विषय सूची। विषय सूची में आपका यही होता है इंडेक्स, इंडेक्स में सीरियल नंबर आप डाल देंगे, सीरियल नंबर डाल दीजिए, टाइटल और पेज नंबर, और आपने जो भी टॉपिक्स डाले हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आता है हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट फाइल का मटेरियल। सो मैंने बनाया भारत में जैनसम का होते हैं, आपका अलग टॉपिक भी हो सकता है, आप फॉर्मेट ये रखें डिज़ाइनिंग का, बस अपने ये पेजेस अलग कर लें, अलग तरह से लिख के लगा दें। सो ये है जैनसम का परिचय, कुछ भी जिस भी टॉपिक बनाए पहले आप उसका परिचय बताएं। फिर आता है जैनसम की उत्पत्ति, और फिर भारत में जैन मंदिरों के बारे में मैंने बता दिया है, और फिर आता है क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ कुछ लगा दिए हैं नेट से निकलवा के। सो और इसके नेक्स्ट पेज हैं, ये भी मंदिर का ही है, और जैन धर्म के सिद्धांत भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैंने क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाई है, क्राफ्टिंग आइडियाज इसमें बहुत सारे मैंने लगाए हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये क्रिएटिविटी है, यानी जैन धर्म के पाँच सिद्धांत होते हैं, पाँचों सिद्धांतों को मैंने क्रिएटिविटी के तरीके से मैंने इसमें लगा दिया है। और आते हैं वैसे को मैंने ये लिख दिया है उसको डिफाइन करके छोटे वर्ड्स में, और फिर महावीर स्वामी जी का मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया है। नेक्स्ट आते हैं महावीर स्वामी जी का परिचय, इसे मैंने क्रिएटिविटी दिखाई अपनी, देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ आपको मिल सकता है, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए या फिर आप पर शेयर कीजिए। जैन धर्म के उदय का कारण, जैन धर्म का महामंत्र और जैन धर्म का पतन कैसे हो गया, ये सभी हमें बताना होता है। और आते हैं सबसे लास्ट में टॉपिक होता है यहाँ पे निष्कर्ष, आपको उस परियोजना कार्य करके क्या लगता है, यानी उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, वो इसमें आपको बताना है लास्ट पेज में। और जो एट द लास्ट पेज होता है वो होता है संदर्भ सूची का। संदर्भ सूची में ये होता है कि आपने किन किन सोर्सों से इस परियोजना कार्य को करने के लिए मटेरियल्स लिए हैं, जैसे मैंने लिया इंटरनेट, पाठ्यपुस्तक जो हमारे NCERT है, और फिर लाइब्रेरी में से भी बुक्स हमने बहुत सारी ली थी उसके माध्यम से मैंने तैयार किया है, और शिक्षकों के अध्यापन। और ये थी हमारी जर्नी ये प्रोजेक्ट फाइल की। सो आप थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। कहे तो से सजना ये तोहरी सजानिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी भलैया।